आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ध्यान रखिए, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विशेष महत्व मैं आपको बता रही हूं कि हम मानव प्राणी क्या, अगर कोई प्रेत भी सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। जीव जंतु कोई भी सुन लेता है वह अमर हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी ने शौनक जी को सुनाई है। प्रथम स्कंद में देखें, भगवान की स्तुति करते हुए सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, व्यास जी को देखे आप, उन्होंने सारे वेद शास्त्र पुराण लिखे लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सरस्वती के पावन तट पर बैठे हुए वेद व्यास जी बड़े ही खिन्न मन से सोच रहे हैं, मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, जो एक दिव्य पुराण था उसके मैंने चार भाग किए, वेदों को मैंने पढ़ा है, उनका अनुकरण किया है, मैंने चार वेद के रूप में विभाजित किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मैंने पंचम वेद महाभारत लिखा जिससे सब कोई पढ़े, सबका उद्धार हो, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या बात है। बहुत ही खिन्न मन से वेद व्यास जी बैठे हुए थे, तब उसी समय सरस्वती जी के पावन तट पर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। अपनी सारी व्यथा वेद व्यास जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, आपने इतने वेद शास्त्र लिखे, अध्ययन किया, उसका अनुकरण किया है, लेकिन आपने पूर्ण रूप से भगवान की लीला का भी वर्णन नहीं किया है, पूर्ण रूप से आपने भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया है। और जिस ज्ञान में हमारे भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, वह ज्ञान अधूरा है, जहां प्रेम न हुआ अधूरा है। आप पूर्ण रूप से ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन हो। और फिर यहां पर नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई कि देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। हे वेद व्यास जी, आप देखिए, मैं दासी का पुत्र था, एक बार चतुर्मास व्यतीत करते हुए संत महात्मा मेरे यहाँ आए थे, मेरी माता ने उनकी सेवा की, मैं भी उनकी संतों की सेवा करता रहा। संत महात्मा जब चार महीने के बाद जाने लगे, मैं भी उनके साथ चल दिया, मेरी मैया ने मुझे रोक लिया। अब मुझे ऐसा लगता था, कब मैं संतों के पास में जाऊं, कब मैं भगवान की कथा सुनूं। और एक दिन माँ की मृत्यु हो गई, माँ का अंतिम संस्कार इत्यादि करने के बाद मैं उत्तराखंड की ओर गया, और फिर वहां पर मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं उस प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, अभी तप करो। और फिर जो है मेरा शरीर नष्ट हुआ, और फिर जब दोबारा मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं चाहता हूँ जहां वहां चल देता हूँ, और भगवान हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। मैं कभी भगवान से कहता हूँ, प्रभु ऐसा आप करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, तो भगवान मुझे कितना मानते हैं। एक बार नारद जी ने कहा था, प्रभु आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओही, मोरे हित हरिसम नहीं को, आपके अलावा मेरा कोई हित ऐसी नहीं है, आप मेरा हित करिए। तो भगवान ने क्या कह दिया, भगवान ने कहा था, नारद मैं हित नहीं करूंगा, जे विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हारे, असई हम करब नयान कछु बचन नम्रसा हमारे, मैं हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। तो मैं इतना भगवान को प्रिय हूं कि
कि प्रभु कहते हैं तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तो भगवान मेरे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। ऐसे कृपालु दयालु भगवान की आप कथा का वर्णन करिए, तब आपको शांति मिलेगी। और फिर वेद व्यास जी ने, जो पारा सरस्वती के पुत्र वेद व्यास जी है, उन्होंने श्रीमद भागवत महापुराण की रचना की। इस पुराण को लिखने के बाद वेद व्यास जी को मन में शांति मिली थी। तो आज अगर हम इसे प्रेम से सुनते हैं तो निश्चित करके हमें भी शांति की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही जीवन का सार है। हम आप कुछ लेकर के आए थे जब आए थे धरती पे, बताइए? दो चार कपड़ा पहने थे, सोने चांदी के आभूषण पहने थे? कुछ नहीं पहने थे। और जब जाएंगे तो एक आध कमरे लेकर जाएंगे, दो चार करोड़ लेकर जाएंगे, दो चार दस अंगूठियां ले जाएंगे, कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाता है। शरीर में केवल एक कपड़ा जाता है जो कफन के रूप में उढ़ा दिया जाता है, बस वही साथ में जलता है, और वह भी जल जाता है। और ये शरीर जब साथ में नहीं जाता तो ये संसार की वस्तुएं क्या जाएंगी? कुछ भी जाने वाला नहीं, सब यहीं का यहीं रखकर रह जाएगा। जाएगा तो केवल हमारे सत्कर्म जाएंगे। जो भी हमने सत्कर्म किया है, जो भी धर्म किया है, जो भी भजन किया है, दान पुण्य किया है, यही हमारे साथ में जाएगा। हमारे सत्कर्म के अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा स्थान मिलेगा, और गलत कर्म किया है तो गलत स्थान मिलेगा। अब कुछ लोग ये सोचें कि हम जो है 50 खराब काम कर लेते हैं और 100 अच्छे काम कर लेते हैं, 50 जो है गलत काम कर लें और 100 अच्छे काम कर लें, और भगवान से कहेंगे प्रभु ऐसा करिए आप, ये 50 कर्म जो हमने गलत किए हैं इसमें माइनस कर दीजिए आप, 50 जो 100 हमारे पुण्य हैं तो उस 100 पुण्य 50 काम में फल दे दीजिए, 50 जो है गलत काम में आप काट लीजिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। हमने 50 गलत कर्म किए हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, और 100 अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। यहाँ जो है थोड़ी भी चापलूसी नहीं चलती है, यहाँ तो एक एक का हिसाब है। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, वह कई आंखों से देखता है। कभी कर्म गलत नहीं करना चाहिए। हम संसार की नजरों से तो बच जाएंगे, माता पिता से बच जाएंगे, लेकिन उस परम पिता से नहीं बचेंगे। ये माता पिता तो हमारे शरीर के जो है संबंधी है, आत्मा का संबंधी हमारा, आत्मा का सच्चा जो है हमारा पिता कौन है? इस आत्मा का पिता परमात्मा है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता है। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, इसलिए कर्म करिए, लेकिन कर्म जो है धर्म से युक्त होने चाहिए, सत्य से युक्त होने चाहिए, सत्कर्म हो, गलत नहीं। आज संसार में देखा जाता है लोग क्या क्या करते हैं, देखने में सुनने में जब पता चलता है हृदय विदीर्ण हो जाता है, लेकिन किसको किसको समझाएं? लोग एक क्षण सुन तो लेते हैं, फिर मन की करते हैं, बुद्धि की नहीं मानते, मन की ज्यादा मानते हैं, मन जो कहता वही करने लगते हैं। अब मन जो है बड़ा चंचल है, हमेशा जो है बुराइयों की ओर जाता है, जबकि हमारे पास में अगर लाख रुपए हैं तो हमारा परिवार चल जाता है, गाय इत्यादि की सेवा हो जाती है, रिश्तेदार है तो उनकी सेवा हो गई, साधु संत है तो उनकी सेवा हो गई। लाख रुपए अगर महीने में मिल रहे तो उससे पर्याप्त हमारा खर्चा चल जाता है, हमारी दिनचर्या पूरी हो जाती है, लेकिन मन इतने में संतुष्ट नहीं होता है, उसे तो करोड़ चाहिए। जहां काम क्रोध लोभ की जब अति हो जाती है तभी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है, और जब गलत पर चलेंगे तो ना स्वयं को सुकून मिलेगा ना सामने वाले को मिलेगा। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना होना चाहिए।
चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, इतना मिले कि हमारी पूर्ति हो जाए और हम सामने वाले की सेवा कर सके, बस यही जीवन का सार है। आज कथा का प्रथम दिवस हम आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को श्रवण किया। अब कैसी ये कथा प्रारंभ होती है, इतनी विस्तार रूप जो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, द्वादश स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 इसमें श्लोक है। आप श्लोकों को श्रवण करेंगे, सुबह त्रिपाठी जी बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं तो आप वहां सुनेंगे, शाम के समय आप हिंदी में सुनेंगे व्याख्या, कि देखिए कैसी कैसी कथाएं हैं, कैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है, इत्यादि हम प्रसंग अब कल से श्रवण करेंगे। आज आप लोग सब थके हुए हैं और सब जो है अब बाहर कलकत्ता में हमारे भैया जी रहते हैं, पूरी फैमिली शहर सभी लोग रहते हैं, वहां से भी आए तो उसकी भी थकान है, पर यहाँ भी इतना सब देखना है क्योंकि आप इसके जो है पूरे कर्ता धरता हैं, तो चारों तरफ आपको देखना है। हम लोग वहाँ अमेठी में तो वहां की व्यवस्था देखना है, घर की व्यवस्था देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, सबको देखना है, तो थकान तो स्वाभाविक है। ये 5 तत्व से शरीर बना है, ये सुख सुविधा सब कुछ चाहता है, उसको ये भी देना चाहिए क्योंकि तन के बिना जो है कोई सत्कर्म नहीं हो सकता है। तो आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, कल से हम कथा को और विस्तार रूप में आपको सुनाएंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे तक चलेगी कथा, बीच बीच में भजन भी रहेंगे। आप लोग बढ़िया आइए बड़ी संख्या में और सब लोग अब जिसके जो परिचित हैं सबको फोन कर दीजिए। अब तो घर जाने की भी जरूरत नहीं है कि घर में जाकर सूचना दें, अब तो केवल फोन ही घुमाना है और सब आ जाएंगे। तो आप लोग सबको बुलाइए, सूचित करिए। ध्यान रखिएगा केवल हमारे पांडे जी का कार्यक्रम नहीं है, ये मत सोचे कि हमारे माता जी का कार्यक्रम है कि पांडे जी का, ऐसा नहीं है, ये आप सबका कार्यक्रम है, पूरे क्षेत्रवासियों का कार्यक्रम है। ये शादी ब्याह के जब निमंत्रण कार्ड आएगा तब जाएंगे, ये तो भगवान की कथा है। जहां कथा होती है कानों में पता बस चल जाए कि कथा हो रही है तो वहां पहुंच जाना चाहिए। इससे हम आयोजक को ये ना सोचे कि हम आकर के बड़ा महान काम कर दिए यहाँ करके, नहीं नहीं, आपने अपने लिए जो है काम किया है, आपने कथा सुना अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो बड़ी संख्या में कल से आए कथा सुने, समय से प्रारंभ होगी और भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए जीवन को धन बनाएं, यही जीवन का सार है। आइए द्वार प्रभु के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात भजन, भजन के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग गाएंगे कि हरे राम 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 सीता राम। भागवत महापुराण की आइए हम आप सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि प्रभु ऐसे ही कृपा हम सब पे बनाए रखना,
ताकि हम सब प्रभु की दिव्य मंगलमय कथा श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर सके, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। तो चलिए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ करतल ध्वनि करते हुए श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करेंगे क्या कि चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि चारों युग में आपके ही प्रताप है प्रभु। ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम सब पे दया दृष्टि बनाए रखना। तो मेरे साथ सभी करतल ध्वनि करते हुए भगवान श्री हनुमान जी से निवेदन करेंगे क्या, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। सभी लोग ताली बजाते हैं, बच्चे भी घूमते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। समुंदर पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त लोग प्रभु हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हुए स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, ये सात समंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये सात समंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। सभी लोग ताली बजाते हैं। हनुमान जी महाराज हैं जो हमारी सुध श्याम तक पहुंचा सकते हैं, राम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सीता माता की खोज की थी और विभीषण को बताया था कि प्रभु कितने करुणा कर हैं, कितने कृपालु हैं। तो सभी लोग मेरे साथ हाथ उठा करके और हनुमान जी महाराज से निवेदन करेंगे क्या, ये लंकापुरी में जाए कहे जय जय सिया राम पुकार कहे, ये लंकापुरी में जय जय सिया राम पुकार कहे, भीषण को बताना क्या कहना, प्रभु है करुणा कर क्या कहना, भीषण को बताना।
प्रभु हैं, करुणा कर क्या कहें। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहें। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहें। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। फिर हनुमाना, फिर हनुमाना, अति बलवाना, अति बलवाना। फिर हनुमाना, अति बलवाना, राम राम कहियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। राम राम कहियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। भक्त और भगवान।